नमस्कार, तुमका सगळ्यांक गोवन वॉयसाचो येवकार. काल पंजाबान पीएमाचो जो सिक्युरिटी लॅप्स जाल्लो ताजेर गोंयान दाबोळीन एक मोर्चा काडिल्लो आसा. तर हांगाच्या लोकां कडेन आमी उलोवन पळोवया कितें घडलेलें आसा. आपका नाम? मेरा नाम अजय लांबा है. मैं मिशन मोदी अगेन पीएम गोवा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज हमने यहाँ पे कांग्रेस पंजाब सरकार का विरोध के लिए इकट्ठा हुए थे. क्योंकि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये सबसे बड़ी साजिश थी मोदी जी की हत्या करने की. क्योंकि यदि किसान इसका विरोध करते, किसान विरोध तब करते जब भाजपा सरकार, जब मोदी सरकार किसानों का बिल वापस नहीं लेती. चूँकि मोदी सरकार किसानों का बिल, तीन बिल जो किसानों की मांग थी वो वापस ले चुके थे, तो उसके बावजूद मेरा मानना है कि किसानों का विरोध नहीं होना चाहिए था. ये विरोध किसानों की आड़ में एक प्रायोजित सोची समझी साजिश थी, जो उसको पूरा करना चाहते थे. जो तो भगवान का शुक्र है और मोदी जी का नियत साफ है. जो कल की घटना के बाद मोदी जी सुरक्षित अपने स्थान पर पहुँच गए, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लोग आज इसके विरोध में इकट्ठा हुए हैं. धन्यवाद. जय हिंद. सर, आपको कुछ कहना है? मैं नारायण प्रसाद पांडे, प्रभारी मिशन मोदी गोवा प्रदेश और प्रभारी राष्ट्रीय हिंदू वाणी संघ गोवा प्रदेश. मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कल हमारे प्रधानमंत्री को एक शक्के के रास्ते में घेर करके मारने का षड्यंत्र हुआ, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के ऊपर एक कलंक है. देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने हमारे देश का परचम पूरे विश्व में फैलाया है, लहराया है, उन्हीं पे इस तरह का घिनौना कृत्य करने की कोशिश की गई. तो सोचिए, जब एक देश के प्रधानमंत्री को वो लोग इस तरह से टारगेट कर सकते हैं तो आम जनता वहाँ पे कितनी परेशान होगी वहाँ की सरकार से. तो मैं यही कहना चाहूँगी माननीय राष्ट्रपति जी से, मैं ये मांग करना चाहूँगी कि तुरंत चन्नी सरकार से, चन्नी जी से इस्तीफा मांगे और वहाँ की सरकार को भंग कर दें. मेरा नाम सुभाष सिंह है. मैं मिशन मोदी के कार्यकर्ता हूं और इस टीम के तरफ से मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जो कल घटना घटा है पंजाब में अपने मोदी जी के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया, वो कांग्रेस सरकार के लिए एक बहुत ही घिनौना हरकत किया है उन्होंने और ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए थी. राष्ट्रपति जी से यही मांग करूंगा कि चन्नी सरकार को तुरंत से तुरंत बर्खास्त करें. धन्यवाद. आपको कुछ कहना है? मेरा नाम नवीन कुलश्रेष्ठ. मैं नॉर्थ इंडियन सेल बीजेपी में साउथ गोवा उपाध्यक्ष हूँ. कल जिस तरह की घटना और जिस तरह की हरकत चन्नी सरकार ने हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के साथ की, उनको जिस तरह से जितनी देर तक रोका गया, उनको तो 5 मिनट भी रोकना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, लेकिन 20 मिनट के लिए उनको रोकना और वो जब वहाँ पे थे उनको कैसी फीलिंग होगी, वो क्या सोच रहे होंगे कि क्या हो सकता है. जिस तरह से उन्होंने बठिंडा पहुँचने के बाद जो एक वर्ड बोला कि चन्नी जी को बोलना कि मैं जिंदा वापस लौट आया, आप उस सेंटेंस की संवेदनशीलता को समझिए कि वो कितना संवेदनशील होकर उन्होंने ये वर्ड बोला होगा पहली बार कि मैं जिंदा लौट आया. 56 इंच के सीना जो रखते हैं, जिन्होंने इतना पूरे वर्ल्ड के सबसे प्रिय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अगर ऐसा बोला है तो सोचिए वो 20 मिनट उनके कैसे बीते होंगे. और उन्होंने हैंड टू हैंड डिसीजन लिया, एसपी डिसीजन लिया कि वापस जाना है. अगर वापस नहीं जाते तो आज हम शायद हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को खो चुके होते. और ये चन्नी सरकार का फेलियर तो है ही. डीजीपी की गाड़ी होते हुए डीजीपी वहाँ पर नहीं थे, सचिव की गाड़ी होते सचिव वहाँ पर नहीं थे. क्यों नहीं थे? ये पूरी गवर्नमेंट के सिस्टम का फेलियर है. और ये इतना गलत हुआ है ना, किसी ने ना तो सोचा था और ना ही अब कोई सोच सकता है कि इस तरह की हरकत कोई और करे. और इस सरकार को इतना ज़रूर मिलना चाहिए कि आगे से ऐसी कोई हरकत कभी हो ना सके. जय हिंद, जय भारत. एक्चुअली मिशन मोदी टीम आणि तुमका सगळ्यांक कळलेत असतले एक्चुअली कितें घडलेलें आसा ते. तर हांगाच आमचो न्यूज सोपोवन तुमका सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आवाज आमचो, विश्वास तुमचो, दी गोवन वॉयस.